तो गियर लीवर को लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे सिलेक्टर पट्टी को लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसको चेक करना है, तो इस सिलेक्टर को भी लगाना पड़ेगा इसका ऊपर में। तो इसको लगाने के बाद इस तरह जैसे नंबर नाट बोल रहता है तो इसका रहता है, तो इसको अच्छा तरीके से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपको मैं इससे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहो, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह वीडियो देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिलेक्टर पट्टी को लगा देता हूँ, जीआर पिन सिलेक्टर पट्टी। तो इसको अलार्म की 6 नंबर से टाइट कर दूंगा अच्छे तरीके से। इसको पकड़ के इधर रखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आपका टेढ़ा हो जा सकता, इसलिए। तो इसको टाइट कर दिया अच्छे तरीके से। टाइट करने के बाद यहाँ पे एक वाशर लगता है, उसके बाद एक जूस लगता है, उस तरफ इसको लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे हाइजिंग को सेटिंग कर लेता हूँ इस तरफ, तो हाइजिंग सेटिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक सा पतला सा वाशर लगता है, दोनों का लॉक लगता है, तो इस तरफ लॉक दोनों आता है, तो इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे जो इसको लॉक करने के लिए एक वाशर दिया गया है, जो होल साइज है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो हो गया। अभी क्लच प्लेट को फिटिंग कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इजीली बैठ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इस तरफ बैठा दिया मैंने। बैठाने के बाद यहाँ पे एक वाशर आता है, जो जीरो का निशान है वो ऊपर का साइज रहता है और जो गड्ढा वाला नीचे की तरफ, तो इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। उसके बाद आपको देखा देखें मैं तो इसको टाइट कर दिया फ्रेंड्स। टाइट करने के बाद यहाँ पे चारों स्प्रिंग को लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे जो पट्टी होती है तो इस पट्टी को लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे 10 mm का नाट रहता है, तो चारों इसको टाइट कर देना है अच्छे तरीके से। टाइट करने के बाद यहाँ पे बत्ती लगता है, जो मोबिल पम्प रहता है, मोबिल रहता है इसमें, तो इसमें 8 mm का नट रहता है छोटा साइज का, तो इसमें दोनों नट लगता है। दोनों नट को अच्छे तरीके से लगा के टाइट कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए कट के आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे इस ऑयल पम्प लगता है, ऑयल पम्प जारी, तो इसको लगा दिया अच्छे तरीके से। लगाने के बाद इसमें भी एक वाशर आता है, जो क्लच प्लेट में लगता है, ये वाला सेम टू सेम वाशर है, तो इसको 0 से 3 में ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसको लगाने के बाद नट को लगा दिया, टाइट कर दिया अच्छा तरीके से। ओके फ्रेंड्स, अभी इसका ऊपर में एक बत्ती आता है, जो कवर आता है, इसको लगा दिया। लगाने के बाद वो चारों बोल को लगा दिया। चारों बोल खराब हो गया था लेकिन हम लोग चेंज कर दिया, जब इंजन रिप्लेसमेंट करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी टाइमिंग चेन को लगा देता हूँ यहाँ पे, मजबूत फंस जाएगा। तो लगाने के बाद यहाँ पे जो छोटा साइज का रोलर रहता है इसको यहाँ पे बैठा दूँगा। बैठाने के बाद यहाँ पे कवर का जो पट्टी कवर आता है यहाँ पे, तो इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। दोनों वायरिंग को लगा देता हूँ पहले ग्रिल के लगा के। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इस तरफ लगा दूँगा। लगाने के बाद यहाँ पे इस कवर को फिटिंग कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहो, आप देख सकते हैं यहाँ पे पट्टी को लगा रहा हूँ, तो अभी बैठ जाएगा एजी से। तो दोनों स्क्रू आता है इस तरफ, तो स्क्रू को यहाँ पे फंसा देता हूँ एक यहाँ से, और जापानी स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, दोनों एक साथ टाइट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो एजी से बैठ जाएगा। ओके, दोनों को टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद नेट प्रोसेस आप देखिए वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी टाइट कर दिया पूरा। तो अभी पिस्टन रिंग बहुत बार आपको नहीं समझाया, तो इधर देख सकते हैं, इधर W हो रहा है, इधर M साइज, तो M साइज इस तरफ लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें एक को बैठा देता हूँ, तो ऑयल पम्प रिंग हो गया। और दोनों स्प्रिंग जो आता है पतला साइज का, तो इधर आपको देख देखता हूँ, आप देख सकते हैं इधर नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके इधर ऊपर का साइज, तो इसको इस तरह फिटिंग कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह फिटिंग हो जाएगा। तो गाइस, अभी इस रिंग को यहाँ पे बैठा देता हूँ अच्छे तरीके से, ये बैठ गया है, एक को इधर रखा, एक इधर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरफ करना है, तो आपको चेक करके यहाँ पे बैठा देना है। आप देख सकते हैं ऊपर को साइज जा रहा है, तो इसका ऊपर में लगता है इस साइज में। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट इसको फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए आपको काट काट के दिखाया। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो बनाना वहाँ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो
कैमरा पकड़ना और एडिट करना बहुत ही आसान नहीं है वीडियो बनाना। ओके फ्रेंड्स, तो आप को लिए वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे टॉप टू को यहाँ पे रिंग को फिटिंग कर लेता हूँ। इधर साइड के जो का साले सा रहता है उस साइड में आपका टॉप टू रहेगा और टॉप वन आपका कार्बोलेटर साइड के इनलेट साइड। ओके, तो टॉप टू को हो गया, टॉप वन को यहाँ पे फिटिंग कर लेता हूँ तो टॉप इनलेट वन को साइड से। इस तरफ ओके, रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोलेटर इसको इस लगता है तरफ इस साइड में। तो इस टॉप वन को यहाँ पे बिठा दिया, बिठाने के बाद यहाँ पे करंट पे इसको लगा देता हूँ अच्छे तरीके से। ओके फ्रेंड्स, मोबिल हल्का लगा दिया, लगाने के बाद यहाँ पे तो इसमें लॉक लगता है लग इस गया, साइड यहाँ पे लॉक लॉक को को लगा लगाना देता हूँ इस तरफ, तो लॉक इजी से लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा थोड़ा सा हार्ड रहता है तो इसको लगा देता हूँ, लगाने के बाद आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। तो अभी फिटिंग प्रॉपरली हो गया अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। तो अभी ब्लॉक को लगा देता हूँ इसमें। ओके गाइस, तो ब्लॉक को लगा देता हूँ इस तरफ। तो इसमें हल्का सा रिंग आपको दबना पड़ेगा तभी आपका अंदर में चल आ जाएगा, नहीं तो आपका जैसे नहीं बैठेगा। तो इसको स्प्रिंग को दबाना पड़ता है तभी आपका स्प्रिंग अंदर में चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको दबा के लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। सारी डायमेंशन को मिला देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट है इसी में, तो इसके साथ यहाँ पे डायमेंशन का डॉट है। तो इस साइड में देख सकते हैं इस साइड में तो इस राउंड को इसके साथ मिला के लगाना है डायमेंशन को। तो अभी टॉप पे है, हाँ टॉप पे सेटिंग कर दिया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें जीरो का डॉट है और इसमें गैप है इस नंबर में। तो इसको इसको साथ मिला के और मैगनेट के लिए टॉप है यहाँ पे टाइमिंग मिलता है इस जगह में। ओके गाइस, तो यहाँ पे एट लगा है यहाँ पे टी का, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे जो टी का निशान है वो फ्लैश हो रहा है। तो इसमें टाइमिंग मिला के इसको सेटिंग करना है। ओके, अगर आप 8 mm का नाट रहता है तो इसको यहाँ पे लगा के टाइट कर देना है। ओके गाइस, इसको टाइट कर लेता हूँ।